पर अब 2024 का सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी राम भक्तों को संदेश दे रही है तो विपक्ष के कुछ नेता भी खुद को राम भक्त बताने में लगे हैं। ऐसे में कुछ को न्योतों का इंतजार है तो कुछ न्योता मिलने के बाद भी इस बात से कंफ्यूज हैं कि भगवान राम के दर्शन करने जाना है या नहीं, और कहीं यही कंफ्यूजन सियासत की बड़ी वजह भी है। लेकिन राम मंदिर को लेकर सियासी बयानबाजियां भी कम नहीं हो रही। राम नाम की गूंज है, झूम रहा पूरा देश, मन में प्रभु का नाम, सियासत भी अवशेष। जय सियाराम। सरकार है बीजेपी की यूपी में और दिल्ली में, मुझे लगता है प्रभु श्री राम की तरफ से किडनैप कर, तो हम क्या बल्कि है क्या इन्विटेशन का इंतजार करते। पहले राम मंदिर निर्माण का विरोध, फिर प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर सवाल, और अब न्योते पर बवाल। जब भगवान बुलाते हैं तभी दर्शन पाते हैं आप, बिना बुलाए कोई नहीं जाता। मंदिर वही बन रहा, तारीख भी नजदीक आ गई, लेकिन सियासत वही घिसी पिटी। राम जी हमारे भी उतने ही भगवान हैं जितने लोग पेटेंट कराने के बारे में सोचते हैं, और हमें भी उतनी ही श्रद्धा है जितने बाकी लोगों को श्रद्धा है। प्रभु श्री राम टेंट से निकलकर अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। 500 साल का संघर्ष सफल होने वाला है। पीएम मोदी और सीएम योगी निर्माण कार्यों का अपडेट ले रहे हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन के साथ ही अब भी राम के नाम सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस पर अब बीजेपी ने खुलकर हमला शुरू कर दिया है। कोई आए या ना आए, आजकल कई लोग जो कल तक गाली देते रहे राम मंदिर को, राम को नकारते रहे, वो भी राम का दर्शन करना चाहते हैं। और कई लोगों को अहंकार है कि उनके बांगने के बगैर सूरज नहीं उगेगा, उसी तरह से ना है ममता ना है कोई। भारत के कई पीढ़ियों ने जो भव्य राम मंदिर का कल्पना की थी या सपना देखा था वो पूरा होने को आया। मैं इतना ही कहूँगा कि देश भर के कोने कोने से जो लोग भव्य राम मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं, प्राण प्रतिष्ठा के दिन के बाद उनका आना जाना शुरू होगा। अयोध्या में श्रीराम का मंदिर भारतीय राजनीति की धुरी रहा है। 2 सीटों से सत्ता के शिखर तक पहुंचने में भी राम मंदिर के मुद्दे का बड़ा योगदान रहा है, और अब बीजेपी की रणनीति यही है कि राम मंदिर के मुद्दे पर ही जीत की हैट्रिक मारी जाए। बीजेपी चाहती है कि 2024 का रण राम मंदिर के मुद्दे पर ही लड़ा जाए, और जब इसकी भनक विपक्ष को लगी तो न्योते पर सवाल खड़े होने लगे और कह दिया राम सबके हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झाड़ू पकड़ करके झाड़ू लगा रहे हैं। केवल एक जगह झाड़ू लगने से सफाई हो जाएगी? पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां स्मार्ट सिटी से लेकर के तमाम वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए हैं। देखिए, कोई राजनीतिक दल का नेता क्या कहता है उस पर हमारा इसलिए ध्यान नहीं जाता है कि हम लोग राम के काम में लगे हुए हैं, और जो राजनीतिक दल हैं उनको यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी निमंत्रण बांट रही है तो भाजपा निमंत्रण नहीं बांट रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बांट रहा है, उनको ट्रस्ट से शिकायत है, संतों से शिकायत है कि राम भक्तों से शिकायत है, भाजपा से शिकायत है, तो उनको हो सकती है, क्योंकि हम लोगों ने सदा कहा है जहां राम ने जन्म लिया है मंदिर भव्य बनाएंगे, दिव्य बनाएंगे। इन सब के बीच अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य को और तेज कर दिया गया है। नक्काशी और पेंटिंग को फाइनल टच दिया जा रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को पीएम मोदी अयोध्या पहुंचेंगे, अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे, 84 कोसी यात्रा मार्ग से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी, 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा।
यानी पीएम मोदी एक महीने में दो बार अयोध्या दौरे पर जाने वाले हैं और उससे पहले तैयारी पूरी हो रही है, लेकिन विपक्षी गठबंधन अब भी न्योते पर अटका है, क्योंकि विपक्ष से जिन्हें न्योता मिला वो इस बात से कंफ्यूज है कि जाना है या नहीं, और जिन्हें अब तक न्योता नहीं मिला वो इस बात से परेशान है कि कहीं चुनाव में इससे नुकसान न हो जाए। लेकिन जो सत्य है वो श्री राम और अयोध्या धाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी नई खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।